अस्सलाम वालेकुम डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं दानियाल सोहेल एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। इस वक्त हम मौची गेट लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर के अंदरून में बहुत से खाबे शाबे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और लाहौरी जो हैं वो खानों के काफ़ी शौकीन हैं। तो आज हम पंजाब टिक्का हाउस पर पहुँचे और यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकवान तैयार किए जाते हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें भी यहाँ खाने को मिलेंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं, क्या क्या उनमें डलता है और लाहौरियों को यहाँ के खाबे क्यों पसंद आते हैं। आइए मेरे साथ जानते हैं। जी तो पंजाब टिक्का हाउस में मौजूद हैं, यहाँ के ओनर जुबैर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं, शॉप के बारे में जानते हैं कि इसको कितना अर्सा हो गया और क्या स्पेशल जो है यहाँ पर मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फूड पॉइंट को कितना अर्सा हो गया? ये 1930 से स्टार्ट की थी, ये हम लोगों की समझ लें कि ये जदी काम है, वो तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। मतलब कि आपके दादा वाले साहब है साथ, अब मैं भी आ गया, साथ छोटा भाई भी आ गया। अब लोग इसी फूड पॉइंट से शुरू किया था। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है पहुंची दरवाजे में, इसके अलावा कोई और इधर उधर भी लाहौर में जो है ना कोई ब्रांच नहीं। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शुरुआत जो है वो किस चीज़ से हुई थी, क्या चीज़? सबसे पहले हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट किया था, बारबेक्यू में बीफ कबाब, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त की नज़ाकत के साथ मॉडर्न होते रहे लोग, चिकन कबाब, फिश कबाब, चिकन टिक्का, मलाई रोटी, फिर चीज़ टिक्का स्टार्ट हो गया, फिर चिकन चीज़ कबाब, फिर टका टक भी आ गए। माशाल्लाह रेशमी रोटी जो आप लोगों की इस वक्त जो है हिट जा रही है, तवा पीस है, बोनलेस फ्राई और फ्राई फिश है, ग्रिल फिश है। अब आपके पास इतनी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है लोग खाने के लिए? सबसे पहले हम लोगों का बारबेक्यू में जो है ना मलाई रोटी, चीज़ टिक्का और मटन चाँप और मटन टिक्का, मटन कबाब, ये हम लोगों का बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। और तवे के अंदर जो है रेशमी रोटी बहुत ज़्यादा। सही है। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ है कि आपका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है, मज़ेदार है और लोग यहाँ पर आते हैं खाते हैं? ना, ये मेरा कमाल है कि अल्लाह ताला का खास फजल है। तो मेरे ख्याल से आइए हम आगे चलते हैं, खुद खाते हैं और आपको बताते हैं और लोगों से भी जानते हैं कि यहाँ की क्या चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आइए मेरे साथ। जी तो यहाँ पर जो है वो इनकी रेशमी बोटी जो है वो तैयार होने लगी है। मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद है और यहाँ की जो रेशमी बोटी है वो सबसे स्पेशल है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है, डिफरेंट भी है। तो मेरे ख्याल से हम इनसे बात करते हैं, यहाँ पर साथ साथ तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो तवे के ऊपर जो है वो चिकन इन्होंने डाला है, इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें डलेंगी साथ साथ। अच्छा मुझे बताएं कि ये कौन सा चिकन जो है वो आपने डाला है? अच्छा, थाई पीस जो है वो यहाँ पर आपने डाला है और इसको कोई मसाले वगैरह पहले तैयार हुए? पहले लगो। कौन कौन से मसाले लगे थे इसमें? हरी मिर्च है, व्हाइट मिर्च है, ठीक है, चाइनीज नमक है, सही, और क्रीम, ठीक है। अब इसको कितनी देर इस तरह रखेंगे? 5 मिनट। 5 मिनट इस तरह जो है वो पड़ा रहेगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये एक प्लेट जो है वो हमें कितने की मिल जाती है? 1050 रुपए की। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें और क्या क्या मसाले जो है वो भी डालेंगे? काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक। नमक, काली मिर्चें और क्रीम वगैरह भी डलेगी? हाँ, क्रीम भी। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर जो है इसे 5 मिनट जो है वो रखा जाएगा, अच्छी तरह से यहाँ पर बनाया जाएगा, उसके बाद जो जो मसाले जो इसमें डलेंगे वो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे और ये जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगी। जी तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम जो है वो पूरा हो गया और दम जो है वो हम उठाने लगे हैं। वाह जी वाह, ओह ये जो है क्या बात है जी। अब जो है 5 मिनट इसको गोश्त को जो है वो दम पे रखा था, उसके बाद अब इसको जो मक्खन वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था वो अंदर मिक्स करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो साथ साथ डल रही हैं। सही है जी, पानी ऐड किया हमने। अच्छा मुझे बताते रहे हैं आपने साथ साथ कि आप क्या क्या डाल रहे हैं और किस तरह से कितनी देर इसको पकाएँ? अभी तो इसको नरम कर रहा हूँ, नरम करने के बाद क्या पीढ़ी शुरू होगा क्रीम के साथ। सही, तो अभी जो है वो कितना टाइम लगेगा इसको नरम करने में? वाह हो गया, ये धुएं जो है वो फुल टाइम उठे हुए हैं और क्या बात है। वाह जी वाह यार, इसको देखकर दिल कर रहा है यहाँ पर ही बंदा नान मंगवाए और रायते के साथ इसे खाना शुरू कर दे, लेकिन अभी मसालों की कमी है इसलिए अभी बिल्कुल भी शुरू नहीं करेंगे मसाले। और जब क्रीम डलती है ना, ओ हो, आप देखिएगा कि किस
तरह से ये तैयार होगी। वैसे मैं पहले एक बार यहाँ पर आ चुका हूँ, मैंने खाई हुई है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर नहीं आए तो यार ज़रूर आइएगा, मोची गेट पर मौजूद है। अच्छा जी, ये अब हमने लाल मिर्ची डाल रहे हैं। हाँ जी सही, ये आपने एक पेस्ट सा बनाया हुआ है? पेस्ट बनेगी। अच्छा, छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल, मतलब कि कोई हड्डी नहीं, आराम से नवाला बनाना है और इसको खाना है और इंजॉय करना है। मैं कहता हूँ कमाल की डिश यहाँ पर तैयार हो रही है। ओहो, जी तो यहाँ पर जो है वो क्रीम भी आ गई है और क्रीम भी इसमें डलेगी। अच्छा, ये 3 किलो गोश्त में कितने डब्बे जाएंगे क्रीम के? 5 डब्बे जो हैं वो डाले जाएंगे, क्योंकि 5 प्लेटें यहाँ पर तैयार हो रही हैं और यहाँ पर जो है वो क्रीम जो है वो निकाल रहे हैं। और इनकी क्वालिटी जो है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जा रहा, कई सालों से दुकान मौजूद है, क्वांटिटी और क्वालिटी इन्होंने बरकरार रखी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हैवी किस्म के सीन्स होने वाले हैं। अभी जो आपको सब्ज़ मिर्चें अंदर नज़र आ रही और चिकन सिर्फ नज़र आ रहा है, जब इसके ऊपर जो क्रीम डाली जाएगी ना, ओहो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा, गेम जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी और फिर बाकी बंदा कहेगा कि यह लेवल है। अच्छा जी, ये अब हम क्या डाल रहे हैं इसमें? इसमें गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो आ गया इसमें। ये ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर। अच्छा, मसाले जो है वो इतने कोई ज्यादा नहीं है, वही जो आम मसाले होते हैं। आम आम घर वाला सीन है। वाह, ये क्रीम इन्होंने ऊपर डाल दी है। अच्छा, अगर कोई बट हो तो वो भी 3 से 4 खा जाते? पहले 2 गिलास पानी पिला देंगे। ये अच्छा था। अच्छा जी, वाह यार, ये इन्होंने सही क्रीम जो है ऊपर डाल दी है, वाह जी वाह। मैं कहता हूँ कि पूरा जो है ना उसको अच्छी तरह से क्रीम में नला दी है, मियार पूरा रखते हैं और इसी वजह से इतने साल गुजर गए हैं और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त तैयार हुई है मलाई रेशमी बोटी हमारी। ओहो हो, मैं कहता हूँ कमाल हो गया यार, नेक्स्ट लेवल है यार इसका। ये हमारी रेशमी बोटी तैयार हो गई। अच्छा चलें जी, ये तो यहाँ पर तैयार हो गई है, पूरा प्रोसीजर हमने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें इसमें डली हैं। आगे चलते हैं, कबाब तैयार किए जा रहे हैं, मलाई बोटी तैयार की जा रही है, वो हम देखते हैं कि उन पर क्या क्या चीज़ें डलती हैं और किस तरह वो मिलते हैं। तो आइए आगे। जी तो यहाँ पर जो है वो इनके कबाब और मलाई बोटी जो है वो तैयार की जा रही है। इनकी मलाई बोटी और कबाब भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और कहा जाता है कि इनके कबाब स्पेशली बहुत मज़े के हैं। तो हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं, जो तकरीबन 6-7 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं और कबाब, मलाई बोटी और बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें डलती है और क्या ऐसा स्पेशल है कि लोगों को यहाँ के कबाब और बाकी चीज़ें काफ़ी पसंद आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं सर। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो बीफ कबाब हैं बहुत पसंद किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है? लाल मिर्च होती है, 12 मसाले हो जाते हैं मिक्स। सही है। हाँ जी, उनको मिक्स करके तैयार किया जाता है, फिर वो कीमा और प्याज मिक्स करके इसको मुलायम किया जाता है। एक सी किस तरह है कबाब? जो बीफ कबाब है वो 70 रुपये का, वो बीफ चीज़ कबाब वो 90 रुपये का है। सही। और मलाई बोटी? मलाई बोटी की सीख सादा 120 रुपए की है, चीज़ 150 रुपए की है। 150 और 4 होते हैं एक सीख? हाँ जी, 4 पीस होते हैं। चलें जी, यहाँ पर जो है वो बारबेक्यू तैयार किया जा रहा है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो खुशबू आ रही है बारबेक्यू की। तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं, लोगों से भी पूछते हैं और फिर टेस्ट भी करते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या स्पेशल है यहाँ के बारबेक्यू में। तो आइए। मुझे बताएं कि कब से जो है यहाँ पर आप खा रहे हैं, क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने इसका पंजाब से, उसको नाम मैंने इसका काफ़ी सुना हुआ था, जब बड़ी अच्छी दुकान है। इसकी सबसे फेमस तो थी ना ये मलाई बोटी थी, मलाई जो इसकी कढ़ाई थी, तो वही मुझे सबसे बेस्ट लगी है यहाँ पर। यार हम तो यहाँ से बचपन से ही खा रहे हैं, तो मैं यहाँ से मलाई बोटी, मलाई टिक्का ट्राई करता रहा हूँ और इनका सब कुछ तकरीबन मैंने ट्राई किया हुआ है। लेकिन आज मेरे ये दोस्त आए हैं, ये बुर्जे टारिस हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना पंजाब टिक्का की रेशमी बोटी खानी है, चिकन रेशमी। तो मैंने कभी ये खाई नहीं थी, तो आज मैंने खाई है, तो मैं ये सबसे कहता हूँ कि ये ज़रूर ट्राई करें, इनकी सबसे बेस्ट डिश है और बेहतरीन डिश है। जी हम इधर के लिए आई थी और काफ़ी अरसे से खा रहे हैं यहाँ पर, और इनकी स्पेशल तो हर चीज़ ही है,
लेकिन ज़्यादा मुझे जो स्पेशल लगती है वो ये चिकन रेशमी बोटी है और इनके मलाई चीज़ टिक्का कबाब है इनके, और माशाल्लाह सारा कुछ इनका बेहतर ही है और काफ़ी देर से हम 10 साल हो गए इनसे खा रहे हैं। जी तो अब टेस्टिंग का जो है वो मरहला जो है जो सबसे मज़ेदार होता है, जिसमें हम खाने खाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे मिलने वाले खाबे जो हैं वो क्या स्पेशल है उनमें। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले जो है वो इनकी रेशमी बोटी जो है, आप देख सकते हैं आवाज़ ही वाह क्या मज़ेदार किस्म की रेशमी बोटी इन्होंने तैयार की है। उसके बाद मलाई बोटी है, चीज़ मलाई बोटी, वो भी बहुत मज़ेदार लग रही है। और हमने बीफ कबाब मंगवाए हैं और इनके नान जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखें नान जो है ना ये इसको तवे पर ही जो रेशमी बोटी तैयार की जाती है उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं मसाले वगैरह होते हैं उसी पे ही नान को जो है ना कहा जाता है, चौपड़ लिया जाता है जो आम हम अल्फाज में कहते हैं। तो इस तरह इनके नान जो हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले जो है वो हम इनकी ये जो बोटी है ना ये ट्राई करते हैं क्योंकि ये स्पेशल है। ओहो, क्या टेस्ट है यार, मज़ेदार करीम और अंदर जो मसाले हैं वो मैं कहता हूँ लाजवाब है। ये थाई पीस जो है उसका इन्होंने तैयार किया है, तो यार इसका टेस्ट ना मैं कहता हूँ दालिम है। ओहो हो, क्या बात है, गरम मसाला डाला है अंदर, काली मिर्चों का जो टेस्ट आ रहा है ना वो हो, उसकी तो बात ही नहीं है ना, उसका तो कोई चीज़ उसको मैच कर ही नहीं सकती। और ये जो अंदर सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो हर चीज़ के साथ खाने को जो है ना बहुत ही मज़ा कराती है। ये हम थोड़ा रायता भी लगाते हैं, ये प्लेट आपको यहाँ पे ना 500 रुपये में मिल जाएगी, आप इसे खा सकते हैं खूब। अब हम बाकी चीज़ें भी ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से हम मलाई बोटी जो है ना वो टेस्ट कर लेते हैं। इन्होंने वैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भिजवा दी हैं, मैं इतना खा नहीं पाऊँगा लेकिन चीज़ें बहुत ही मिलेंगी। ये आप देखें ऊपर चीज़ डाली हुई है और क्या मज़ेदार किस्म की, ओहो गरम गरम है, इसको जो है ना हम खाते हैं। क्या बात है, नान के साथ खाते हैं। मैंने कहा वैसे टेस्ट करें क्या इसका टेस्ट आता है, नान के साथ लग खा के ना किसी भी चीज़ का टेस्ट जो उसका एक्चुअल टेस्ट है ना वो हमें पता नहीं लगता। तो ये हम ना रायता लगा रहे हैं इसे। क्या बात है यार, इसकी जो एक सीख है वो आपको मिल जाती है 140 रुपये में, एक सीख में 4 पीस होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है यार। ओहो यार इनके नान वाकई मज़ेदार हैं, क्योंकि नान को जो है ना वो मसाला लगा हुआ है और क्या कमाल किस्म का मसाला लगा हुआ है ना। ये हम जो हमारा अगली बोटी जो है ना, ओहो कमाल मज़ेदार यार, जो अंदर इसके अंदर ग्रीन मिर्चें जो लगाई हुई है ना उसको जो किया हुआ तैयार और सारी मसाले वगैरह कमाल है। मलाई बोटी तो वाकई में ना मज़ा करवा रही है और पंजाब टिक्के हाउस की तो क्या ही बात है, मज़ा आ गया यार। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि टेस्ट कैसा है। ये इनके बीफ कबाब हैं, आप चेक करें कबाब, क्या बात है यार, ओहो काफ़ी नरम लग रहे हैं, इसको भी जो है ना वो हम टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि कबाब वाकई जो है ना वो बीफ के कबाब होते हैं। इसको हम नान के साथ भी खाते हैं और वैसे भी हम खाते हैं। ओहो चलें जी, ये आया रायता, थोड़ा रायता ज़रूरी है हर चीज़ से खाते। यार इसके अंदर जो इन्होंने
सूखा धनिया डाला है अंदर, जो बाकी चीज़ें डाली हुई हैं, और मैं गरम जीरा डाला हुआ है। बहुत ही मज़े का टेस्ट है इसका। सारी चीज़ों का टेस्ट जो है ना वो प्रॉपर फील होता हुआ आ रहा है। और ये सीख आपको जो है यहाँ पे 70 रुपये का एक कबाब जो है वो आपको मिल जाता है, एक सीख पे एक कबाब है, जो कि लाजवाब है यार। ओहो कुमार, यार इन सारी चीज़ें जो मैंने टेस्ट की हैं ना, इंतहाई मज़ेदार, लजीज, और हर चीज़ का जो एक फ्लेवर है अंदर डिफरेंट आ रहा है। जो जो मसाले डाले हैं वो खा के हमें पता लग रहा है कि यार इसमें वो चीज़ मौजूद है। तो यही खाने की एक अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी होती है कि जो आप चीज़ खाएं वो आपको पता लगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डली हुई हैं, और बाकी में सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार हैं। जो सारी चीज़ें जो है ना अंदर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल हैं। तो यहाँ पर हम रूफ टॉप पर बैठे हैं, इनका जो सारा खाने शाबे हैं खाबे हम इंजॉय करें, इनकी छत पे माहौल इन्होंने बनाया है, वहाँ पर आकर आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। तो हम भी छत पर आ गए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खा रहे हैं। मैं अभी इसे खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे कुछ मीठा जो है वो आज हम ट्राई करेंगे, क्या चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी मैं ये पहले ख़त्म कर लूँ, फिर आपसे वहाँ पर ही मुलाकात होती है। जी तो पंजाब टिक्का हाउस में मज़ेदार किस्म के पकवान जो हैं वो हमने इंजॉय किए, खाए, और क्या ही कमाल किस्म की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। आप लोगों ने ज़रूर जाना है, उसे ट्राई करना है, इंजॉय करना है। तो मैंने सोचा कि यार कुछ हमने मज़ेदार चीज़ें के बारबेक्यू वगैरह तो खाएं, अब कुछ मीठा जो है वो होना चाहिए। और अब मैं एक ऐसे फूड पॉइंट पर पहुँचा हूँ जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और 30 साल इसे हो गए हैं। रेड़ी के ऊपर जो है फ्रूट कस्टर्ड जो है वो तैयार किया जाता है, सेल किया जाता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस वक्त में ये रंग महल चौक मौजूद है, सुई बाज़ार जो है हमारे बैक पे बिल्कुल है, और ये रंग महल चौक जो है यहाँ पर ये कस्टर्ड मिलता है, रेड़ी के ऊपर ये सेल करते हैं, लोग जो हैं इसे खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल से आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं, क्या स्पेशल है, लोगों से भी जानते हैं, खुद भी टेस्ट करते हैं, और जो यहाँ पर तैयार करते हैं उनसे भी जानते हैं कि वो तैयार किस तरह से करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। जी तो अब हम इनकी रेडी पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये कस्टर्ड जो है सेल किया जाता है, और यहां पर लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं खा रहे हैं। हमारे साथ अवैस भाई मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं जो इस रेडी के ऑनर भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ और क्या चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो तैयार की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस कस्टर्ड में डाली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का ठीक। अच्छा सबसे पहले तो बताएं कि इसकी शुरुआत किसने की थी, कितना अर्सा हो गया? ये बड़े भाई ने शुरुआत की थी, तकरीबन 30 साल हो गए हैं, इससे ज्यादा ही हो गए। इसी जगह पर? इसी जगह, शुरू से इसी जगह पे लगाया है। साल में पूरा साल लगाते हैं आपका? हाँ जी, 12 महीने ये काम चलता है। किस कितने बजे से कितने बजे तक आप? ये रात 8 बजे शुरू करते हैं, तो रात 3 बजे तक, मतलब रात 8 बजे से रात 3 बजे तक ही लोग आते हैं खाते हैं। ये जो इतना भी हम देख रहे हैं कि पतीला माशाल्लाह फुल है, तो ये एक दिन में सेल हो जाता है सारा? इधर ये 2 पतीले सेल करते हैं। अच्छा, 2 पतीले जो है वो सेल होते हैं? ये घर से बना कर लाते हैं? घर से। कौन तैयार करता है ये? बड़े भाई तैयार करते हैं, वो खुद तैयार करते हैं। सही सही। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डलती हैं? इसमें दूध डलता है, क्रीम कस्टर्ड मलाई डलती है, और फ्रूट में सेब केले डलते हैं, और पिस्ता का। और ये जो फ्लेवर जो है वो कौन सा है? ये वनीला का है। बस एक ही फ्लेवर होता है? गर्मियों में लगाते हैं हम मैंगो। अच्छा, गर्मियों में मैंगो लगता है, बाकी जो है पूरा साल इनके पास वनीला ही रहता है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि कितने का जो है वो एक हमें कप मिल जाता है, या एक प्लेट में कितना होता है? ये स्टार हम 60 रुपये से करते हैं, 400 रुपये तक का। अच्छा, ये अगर हम इसकी बात करें, ये जो हम देख रहे हैं ये कितने का है? ये 150 का आता है, ये वाला 100 का है। अच्छा, ये जो है इसमें 150 का आएगा, ये जो है ये कितने का? ये 100 रुपये। ये 100 रुपये का, और ये सेम ही है? बल्कि सेम ही है। हाँ ओके, ये 100 का, और वो जो 60 वाला है वो कौन सा है? 60। अच्छा, ये जो छोटा कप है इसमें जो है वो 60 रुपये में मिल जाता है। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है किन दिनों में रश ज़्यादा होता है, लोग किन गर्मियों में ज़्यादा आते हैं या सर्दियों में? ज़्यादा सर्दियों में रश होता है, गर्मियों में कम होता है। अच्छा, तो क्या स्पेशल इसमें डलता है कि लोगों को बहुत पसंद आता है, क्या ऐसी कोई खास चीज़ है इसमें? ये क्रीम है खास चीज़। अच्छा, क्रीम और मलाई।
अच्छा ये मैंने देखा है कि बहुत ही गाढ़ा और लग रहा है कि जैसे कोई खोए की तरह जो है, तो ये मलाई डाली हुई है इस वजह से ऐसे लग रहा है। ये मलाई और क्रीम की वजह से। सही सही। और दूध जो है वो कहाँ से लाते हैं? ये दूध अपना ही आता है। दूध अपना ही है। और फल इसमें कौन कौन से हैं? सेब केले। सेब और केला जो है इसमें है, तो मेरे ख्याल से हम ट्राई करते हैं। बनाया तो इन्होंने सारा हुआ है, बनाकर इसे लाए हैं, तो मेरे ख्याल से हम इसे ट्राई करते हैं, खाते हैं और यहाँ पे लोगों से जानते हैं पहले कि उन्हें यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो क्यों पसंद आता है। अच्छा मुझे बताएं कि इनका कस्टर्ड जो है वो आपने कितनी बार ट्राई किया और क्या ऐसा स्पेशल है कि आप यहाँ दोबारा खाने के लिए आए? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं लास्ट टाइम आया था नेक्स्ट वीक, ठीक है, लास्ट टाइम वीक आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इनका। ये बेसिकली इनकी जो है ना, मेरे जो है ना 30 साल हो गए इनको बिफोर, ठीक है, और काफ़ी इनका जो है ना टेस्ट अच्छा है जी। इनका कस्टर्ड तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है। मैं तो दूसरों को भी कहूँगा कि इनके पास आएँ, माशाल्लाह टेस्ट करें, क्योंकि हम तो माशाल्लाह जो भाई यार दोस्त हमारे जो हैं मोस्टली हम हफ्ते में 2-4 मरतबा तो मछली आते हैं ना, वहाँ से रोटी खाते हैं और इधर से आके ना माशाल्लाह ये कस्टर्ड ट्राई करते हैं और समझ लें कि जो हम उधर से खाते हैं ना, इनके खाने से माशाल्लाह हजम हो जाता है। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह बना हुआ, ये नहीं कि आपका दिल नहीं आवाज़दार होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको इंशाल्लाह इतना मज़ा आएगा, ये ऐसी चीज़ है। मैं तकरीबन मुझे हो गए 10 साल हो गए यहाँ से खाते हुए, इसी रेडी से खा रहा हूँ मैं 10 साल से। उनका टेस्ट, ये सफाई बहुत है, नफासत से काम है सारा। इनके कस्टर्ड में अलग ही बात है, टेस्ट है। मैं राजगढ़ से यहाँ पे कस्टर्ड टेस्ट करने के लिए आया हूँ, भाई को साथ लेके आया हूँ कि हम वहाँ से जाके कस्टर्ड खा के आते हैं। तो एक कप जो है ना वो आप हमारे लिए तैयार करें और फिर हम ना टेस्ट करके आपको बताते हैं। ये तो बहुत ही गाढ़ा किस्म का है, आप देखें कि फुल कस्टर्ड बनना होता है। अच्छा वैसे आमतौर पे देखा जाता है कि वो कस्टर्ड जो है वो पानी छोड़ देता है, उसमें वो क्रीम के बगैर होता है जो मलाई पानी छोड़ देता है। अच्छा अगर क्रीम डालें तो वो पानी नहीं छोड़ेगा। अच्छा इसमें जो आप फल डालते हैं जब गर्म गर्म बन रहा होता है उसी टाइम डालते हैं या बाद में? बाद में डालते हैं। बाद में डालते हैं, एंड पे डालते हैं। सही सही, ठीक हो गया। चलें हम ना ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो है ना इनका एक इन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर साथ साथ लोग जो है ना उनका रश भी है और ये इन्होंने कहा कि 60 रुपये में जो है ना वो आपको मिल जाता है। ओहो यार वाकई ये मतलब ना बहुत ही गाढ़ा और कस्टर्ड मैंने खाए हैं बहुत, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है। क्या बात है यार, ये चेक करें कि कितना गाढ़ा है। और यार यहाँ पे जो है ना काफ़ी रश है और लोगों का ऑब्वियसली इनका पीक टाइम है, इन्होंने भी पैक करना है, तो मैं बैठ के से खाता हूँ और फिर आपको ना प्रॉपर सही तरीके से रिव्यू देता हूँ कि क्या जो है ना क्या खास बात है इसमें। तो आ जाए यार कमाल किस्म का इनका कस्टर्ड है। ओहो मैं चाह रहा था कि मैं ना प्रॉपर जो है ना वो आपको इसका रिव्यू करूं, वहाँ पर जो है ना काफ़ी रश भी था और क्योंकि रेडी पर वो लगाते हैं और इस टाइम पे लोगों को पता है 30 सालों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूँ लाजवाब है, आउटस्टैंडिंग है यार इसका। ये कस्टर्ड वाकई नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि आप कोई खोया खा रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने फल डाले हुए हैं जो कि ओहो नेक्स्ट लेवल है यार। ये 60 रुपए में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं रात को 8 बजे से लेके रात को 3 बजे तक 2 बजे तक आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता है। ओहो कमाल है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस। यार मैं ये ना मुझे पता मैं बार बार आके खाऊंगा क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है। मैंने बहुत कस्टर्ड घर में भी खाए हैं और मुझे पता था हमारे घर में ना एक स्पेशल बनता है कि अंदर क्रीम डाली जाती है और सारी चीज़ें स्पेशल ना उसे जब चूल्हे पे रखा होता है ना उसी टाइम ही फल और अंदर क्रीम डाल दी जाती है, व्हिपिंग क्रीम डाली जाती है, जिससे टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाता है। लेकिन ये जो है ना इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। और मुझे था कि मैं उन्हें टिप दूंगा लेकिन यहाँ पे तो
कि आमतौर पर देखा जाता है कस्टर्ड जब आप बनाते हैं तो वो अंदर फल होता है जिसकी वजह से वो पानी छोड़ देता है अगर आप उसको थोड़ी देर रखें। कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत कमाल है। इनके पास वनीला फ्लेवर में है लेकिन जो गर्मियों में ये मैंगो भी रख लेते हैं, लेकिन वनीला ही बेस्ट है। क्या बात है यार, लोगों से बात की है, उन्होंने कुछ लोगों ने बताया है कि वो हफ्ते में दो बार ये लाजमी खाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार भी है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ये ट्राई नहीं किया ना तो कोई मसला नहीं है यार, गाड़ी निकालें, बाइक निकालें, दोस्तों के साथ यहाँ पर आएँ, इसे खाएँ, इंजॉय करें। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, खाएँ पिएँ जिएँ और खूब इंजॉय करें। मैं आपको अच्छी अच्छी जो जगहें हैं जहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज हमने जो आपको दो फूड पॉइंट बताए हैं जो कि लाजवाब हैं, सबसे पहले तो आपने मोची गेट जाना है, वहाँ पर आपने उनकी जो रेशमी बोटी है वो आप ट्राई करें, उनके कबाब खाएं, उनकी मलाई बोटी खाएं और भी बारबेक्यू कमाल किस्म का उनका है वो खाने के बाद आप यहाँ पर शाम को आ सकते हैं और इसे खा सकते हैं। ये भी लाजवाब है, आपको मायूसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एक ऐसा जगह है जो कि दिन में भी बहुत रश होता है और रात में यहाँ पर ट्रक आ जाते हैं, तो एक रशी एरिया है, लेकिन खाना जो है ना यहाँ पर जो मिलता है वो कमाल है। तो मैं इसे इंजॉय करने लगा। इसकी प्राइस 60 रुपीज़ है जो कि बहुत ही कम है यार, आप आएँ और मीठा आराम से खाएं, इंजॉय करें। तो मैं इसे इंजॉय कर रहा हूँ, लोगों के रिव्यूज़ भी आपको बताए कि उन्हें यहाँ का कस्टर्ड कैसा लगता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।